नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्याम कला चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, आज की बहुत बड़ी खबर है कि आईटी वालों के लिए खुशखबरी है कि आईटी एनसीईआरटी रिजल्ट डेट आ गई है, यानी कब आ रहा आपका रिजल्ट। तो आईटी फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है डीजीटी के द्वारा। तो दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको आईटी की पल पल की अपडेट दी जाती है, साथ ही सभी प्रकार की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है तथा सभी प्रकार के पेपरों का एनालिसिस भी इस चैनल के माध्यम से कराया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, आपके पूरे कन्फ्यूज दूर। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको बता रहे हैं कि आईटीआई का रिजल्ट किस प्रकार। हमारे पास एक अभी अभी ताज़ा डीजीटी का नोटिस जारी हुआ, वो आया है। तो दोस्तों, ये पूरी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, अब कुछ बच्चों को ये भी हो रहा होगा कि यार सर, हमारी एग्ज़ाम लगी नहीं, अभी आप आईटीआई का रिजल्ट कहाँ से दें। देखो दोस्तों, हमारे पास जो लेटर जारी होता है हम वो आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि बच्चों को जिनकी एग्ज़ाम हो चुकी है उनको रिजल्ट को लेकर बहुत जल्दी हो रही है कि रिजल्ट कब आएगा। तो हमारे पास जैसा भी नोटिस है हम उसके साथ आपको शेयर करेंगे किस प्रकार कब तक क्या होगा, क्योंकि दोस्तों प्रेजेंट टाइम में लॉकडाउन बहुत से स्टेटों में लग चुका है, जिसे आपके यूपी, एमपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, इन जगहों पर लॉकडाउन लग चुका है। तो काफ़ी बच्चों के एग्ज़ाम हो भी चुके हैं, काफ़ी बच्चों के एग्ज़ाम रह भी चुके हैं। तो जिन जिनका एग्ज़ाम लग चुका उनके लिए अच्छी खबर, जिनका नहीं लगा उनका भी टाइम लगेगा। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है कि जिस स्टेट होता है उस स्टेट के माध्यम से उनका रिजल्ट जारी करवाया जाएगा। तो दोस्तों, अभी लगभग 20% स्टूडेंटों का एग्ज़ाम रह गया है, तो उनका एग्ज़ाम भी होना भी बाकी है। दोस्तों थोड़ा सा ये थोड़ी दिक्कत है कि अभी बच्चों का एग्ज़ाम नहीं, उनके लिए थोड़ी दिक्कत है। तो स्टार्ट करते हैं कौन सा क्या लेटर आया है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि हम पूरी चीज़ें खिलेंगे। दोस्तों, ये रोजगार भवन गुरु गोविंद सिंह मार्ग पता दिनांक ये है, और ये लखनऊ दिनांक 15 अप्रैल को जो लेटर जारी हुआ था। अब इसमें देखो दोस्तों क्या है, प्रदेश में कोविड संक्रमण के प्रसार की रोकथाम की दृष्टि से पूर्व निर्गत कार्यालय आदेश 53 फिर है निर्देश कैंप्स फिर है ब्लॉग 2021 दिनांक 23/3/2021 द्वारा दिनांक 31/3/2021 समस्त प्रक्षेप कार्य स्थगित करने हेतु निर्देश दिए जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पहले आपका स्थगित कर दिया गया था, अब इसके बाद में दे रखा है, तो इसमें अब आगे दे रखा है। दोस्तों ये मार्च की बात थी, अब आगे दे रखा है, उक्त कार्यालय ज्ञापन को कर्मचारी राजकीय व निजी संस्थाओं में संचालन किए जा रही प्रशिक्षण संबंधी सभी गतिविधियाँ 30 अप्रैल 2021 तक स्थगित कर दी गई है। उक्त अवधि में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित नहीं किए जाएंगे एवं पूर्व में संचालित सत्रों के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्य कक्षाएं स्थगित कर दी गई है, किंतु संबंधित गतिविधियों का यथासंभव रूप से संबंधित। अब दोस्तों ये यहाँ पर इसको समझो, किंतु परीक्षा संबंधी गतिविधियाँ यथावत सुचारू रूप से संपादित कराई जाएगी, यानी जिनका एग्जाम नहीं हुआ उनका एग्जाम अभी कराया जाएगा। अब जिन स्टेटों में अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, यानी कोरोना महामारी तेजी से फैल रहा है, तो वहाँ पर अभी एग्ज़ाम रोक दी गई है। अन्य जिन स्थानों पर भी नॉर्मल लॉकडाउन वो है, तो वहाँ पर भी एग्ज़ाम चल रही है। तो आप ये चीज़ क्लियर कर लेना कि जिनका एग्ज़ाम नहीं होगा एग्ज़ाम कन्फर्म होगा, उनका रिजल्ट भी बहुत जल्द जारी होना। अब दोस्तों एक लेटर हमारे पास पहली बार, जो मैंने आपको बताया कि 15 मई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों कन्फर्म है, 15 मई तक आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, जो उस लेटर में आप पहले वाले जो हम आपको ये डेली अपडेट बता दें इनमें वो दिया हुआ है, तो उसमें दे रखा है कि 15 मई तक आपका कहाँ कहाँ का और किस किस प्रकार रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर इसे इस प्रकार था। अब आगे देखो सभी गतिविधियाँ, किंतु कहाँ तक हो गया, हाँ किंतु ये हो गया आपका, किंतु यथासंबंध गतिविधियाँ यथोचित सुचारू रूप से कराई जाएगी। आगे इसके अतिरिक्त समस्त औद्योगिक संस्थाओं में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए संबंधित प्रोटोकॉल व अनुपालन की सुनिश्चित की है। उक्त आदेश मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के प्रश्न क्रमांक नंबर ये दे रखा है। इसके बाद में आपका समस्त ये दे रखा है, दिनांक 11 अप्रैल 2021 क्रम से की जा रही है। तो ये आपकी 11 अप्रैल को ये जारी कर दिया गया था, यानी इस प्रकार का लेटर, यानी जैसे जैसे आपका कोरोना महामारी का तेज बढ़ेगा वैसे वैसे लॉकडाउन उन शहरों में लगा दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये आपके लखनऊ का नोटिस था। तो 15 मई तक दोस्तों कन्फर्म है, 15 मई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, जिनका एग्ज़ाम मार्च में हो चुका था, क्योंकि जिनका मार्च में एग्ज़ाम है उनका टाइम लगेगा, लगभग आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग की लगभग
सीटें चेक हो चुकी है, साथ ही प्रैक्टिकल रिजल्ट भी लगभग हो चुका है जारी। तो अब आपका जो एग्ज़ाम बचा है, एक एग्ज़ाम लग रही है सबको मालूम, उसमें आपकी ट्रेड थ्योरी, साइंस और इम्प्लॉयबिलिटी तीनों की एग्जाम लगी है। अगर सेकेंडरी की तो उसमें ट्रेड थ्योरी हुआ है, WC की एग्ज़ाम लग रही है। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारे पास लेटर था। तो दोस्तों आपको अगर अभी भी किसी प्रकार का कन्फ्यूज है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, क्योंकि हमारा काम आपको पल पल के अपडेट पहुँचाना, क्योंकि दोस्तों इतना टाइम लगता है। अगर एक लाइक तो ज़रूर करना यार, क्योंकि हम आपके लिए इतना कुछ करें तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। साथ ही दोस्तों अगर हमसे और हेल्प चाहिए आपको क्लास अवेलेबल कराने के लिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कि हमें ये क्लास चाहिए। तो बहुत ही जल्दी आपकी लाइव क्लास स्टार्ट करें सभी सब्जेक्टों की, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा, इसके कारण अभी लाइव क्लास स्टार्ट नहीं की, अन्यथा आपके लिए लाइव क्लासें बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं दोस्तों। इसकी आप टेंशन मत करना, सभी सब्जेक्टों की ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। ऐसे ही आपका अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।